हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा सातवीं का विषय हिंदी कविता नंबर 5 बसंत गीत, इसका हम स्वाध्याय देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सजी आयो रे ऋतु --- सजी आयो, इसका आंसर होगा सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत --- आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। 3, पीली पीली सरसों फूली अरु बोर --- पे छायो, पीली पीली सरसों फूली अरु बोर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर --- ऊपर अमित रंग बरसायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। प्रश्न क्रमांक 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। उसमें का फर्स्ट है कली कली --- चुरायो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुपगन मधु मकरंद चुरायो। प्रश्न 2, बन बन --- गायो, बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, तितलियां गुनगुना रही है, गलत। कोयल गीत सुना रही है, यस, उसका आंसर सही है, उत्तर सही। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? उत्तर, बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फलों का रस पीते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है? उत्तर, सुहानी सुगंध वनों में व बागों में उड़ती है। प्रश्न क्रमांक 3, मोर और कोयल क्या करते हैं? उत्तर, मोर ठुमक ठुमक कर नाचता है और कोयल गीत गाती है। प्रश्न क्रमांक 4, बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर, बसंत आने पर सरसों पर पीले पीले फूल और आमों में बौर आ जाते हैं। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। ऋतु, इसका समानार्थी शब्द है मौसम। कुसुम फूल, मधु शहद, मधु भौरा। ओके, प्रश्न क्रमांक 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दुर्गंध, इसका विरुद्धार्थी शब्द है सुगंध। ऊपर नीचे, प्रसन्न अप्रसन्न। तो बच्चों, आज हमने हमारी जो कविता है बसंत गीत, इसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे। तो चलो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।